बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार है और झटपट बनने वाली है। व्यूअर्स ये देखेंगे, आपके इसके लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़ेदार है। इसको देख के ही दिल करने लगता है, ख़ासकर बच्चे इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और कभी आपको मसला हो कि बच्चे कुछ नहीं खा रहे, तो आप झटपट बच्चों को ये बना के दे सकती हैं और ये बहुत ही मज़ेदार है। और व्यूअर्स, बार दफ़ा हम ख़ुद भी सालन खा खा के, एक ही रूटीन का सालन खा खा के तंग खा जाते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनती है। जो भी इसे खाएगा ना, वो इसको दोबारा आपसे फरमाइश ज़रूर करेगा। तो व्यूअर्स, इसके लिए मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन में, मैंने चार टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ की मैंने चॉप्ड की हुई प्याज है, वो इसमें डाल के मैं हल्का सा सौते कर दूँगी इसको फ्राई। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, इसको हमने हल्का सा कलर ही देना है। व्यूअर्स, ये इतनी झटपट बनती है, आप देखेंगे कि इतनी जल्दी जल्दी बन जाएगी। और इसमें जो मैं जिस तरह से अंडे किस तरह से ऐड करने हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिए। छोटी सी रेसिपी है और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें, बहुत ही शानदार बनती है। इसके बाद मैंने ये ले लिया है 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चॉप्ड किया हुआ लहसुन ले लिया, आप भी इसी तरह से डालिए क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद मैं इसमें जो आलू डालूंगी व्यूअर्स, क्योंकि उसके साथ भी इसने थोड़ा सा फ्राई होना है, तो इसलिए हमें इसे इस वक्त इस टाइम पे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसी के साथ भी ये फ्राई होगा। और आलू जो मैंने लिया ना व्यूअर्स, इसको मैंने फ्राइज़ की शेप में काटा, क्योंकि आपको पता है इस तरह से बच्चों को ना ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ जाती है और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और शौक से खा लेते हैं। तो बाज़ बच्चों का दिल नहीं चाह रहा होता कुछ ऐसा खाने को, तो फिर मैं इनके लिए यही झटपट बना लेती हूँ। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत खुशी से खा लेते हैं और ये हेल्दी भी है, क्योंकि देखें हम जो फ्राइज़ बना के उन्हें देते हैं उसकी निस्बत ये ज़्यादा बेहतर है। इसमें मैं अंडे ऐड करूँगी और किस तरह से ऐड करूँगी, तो वो आप देखेंगे किस तरह से उसकी लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इन दोनों चीज़ों को, और प्याज को और लहसुन को, इन चारों चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जिससे हमारे आलू थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और इसका कलर भी जब चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। व्यूअर्स, ये इतनी शानदार रेसिपी है ना कि इसको देखते ही दिल करता है कि इंसान इसे बना ले, और क्योंकि झटपट बनती है तो इसलिए बनाना भी आसान है। व्यूअर्स, इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको छोटे साइज़ में चॉप्ड कर लिया था, वो भी मैं इसके साथ ही इसको भून लूँगी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप आगे जाके देखेंगे क्यों हमने डालना है, क्योंकि वो हमें अंडों के लिए ज़रूरत पड़ती है। व्यूअर्स, इसको भी मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी। और अब हमने जो मसाले लेने हैं, वो हमने मैंने लेनी है वह 1 टीस्पून मैंने ले ली है कुटी मिर्च, 1 टीस्पून ले लिया है नमक और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी। इससे ही बहुत अच्छा सा मिक्सचर सा तैयार हो जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और साथ और जो चीज़ें डालनी है वो भी मैं आपको आगे साथ साथ बताती जाऊँगी। व्यूअर्स, इतनी शानदार बनती है, आप चाहे इसे नाश्ते में खाएँ, चाहे जैसे बाज़ दफ़ा होता है संडे वाले दिन हम नाश्ता ज़रा स्पेशल करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप ये झटपट तैयार कर सकती हैं बहुत अच्छी सी पराठों के साथ। तो व्यूअर्स, इसका जवाब ही कोई नहीं है, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस लगती है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि आप बार बार कहेंगे कि यही बना ले, एक तो इसमें आप थकेंगी नहीं है, बहुत आसान है बनाना। और बच्चे सबसे बढ़कर जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है ना कि बच्चे खाने में तंग करते हैं, वो नहीं तंग करेंगे। आप चाहें तो आलू को किसी भी शेप में काट सकती हैं, ये मैंने इसलिए इस तरह से काटा क्योंकि बच्चे इस तरह से ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है और मैं इसको थोड़ा सा ना कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसके जो आलू में जो थोड़ी सी कसर है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुछ तो फ्राई करने से भी तकरीबन 30-40% ये कुक हो जाते हैं फ्राई करने से भी। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि अच्छे से कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए मैंने कवर खोला है, तो ये तकरीबन कुक हो चुके हैं जी। व्यूअर्स, ये देखें इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं चेक करती हूँ कि इसमें से ये इसमें कितने गल गए, क्योंकि बाद में इसको गलाने का टाइम नहीं मिलेगा जी। व्यूअर्स, ये तकरीबन डन है। अब हमने इसको जो है ना इसमें हल्का सा पानी मैंने दोबारा डालना है, क्योंकि मैंने इसमें अंडे ऐड करने हैं। मैं ये 7 लोगों के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने 7 अंडे लिए थे। तो पानी डालने से हमें ये होगा कि जब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे ना, तो अंडे एकदम से हार्ड नहीं हो। अगर इसमें पानी नहीं होगा ना व्यूअर्स और मसाला खाली होगा, हम अंडे ऐड करेंगे, अंडे एकदम से हार्ड हो जाते हैं। जब हम पानी में डालेंगे ना, तो अंडे बड़े सॉफ्ट रहेंगे, इनके चंक्स बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें मैंने इनको फेंटना बिल्कुल नहीं, आपने भी इसी तरह से डालना है, इसको फेंटना नहीं है। इस तरह से डालने से ना अंडे जो है ना वो अपने पोजीशन में रहेंगे, और इसको आपने कवर कर देना 1 मिनट के लिए। जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ये देखिए इसके कलर चेंज हो गया। अब हमने इसमें बाकी मसाले ऐड करने हैं। हमने क्या मसाले ऐड करने हैं? हमने डालना है काली मिर्च और गरम मसाला, ये इस पर से डालने देना। और डालना है हमने इसमें हरा धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्चें। इससे इसका टेस्ट इस कदर अच्छा आ जाता है ना व्यूअर्स, देखा आपने कितनी झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाती है।
और देखने में भी लुक कितनी अच्छी है। आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ ही दस्तरखान पे रख सकते हैं, लेकिन मैंने ज़ाहिर बात है सबको सर्व करना था और सब मेरे घर में बारी भरी खाते हैं, इस वजह से मैंने इनको मिक्स कर दिया। आपने इसको एकदम से मिक्स नहीं करना, कवर करने के बाद मिक्स करना ताकि इसके बड़े बड़े से चंक्स जो अंडे के हैं ना वो बने। बस ये रेडी है, इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है कि अंडे हमारे जो अंडे थोड़े से जो सॉफ्ट हो रहे हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ, क्योंकि आलू तो हमारे पहले से ही डन थे। तो व्यूअर्स ये देखें कितने अच्छे से हमारी शानदार सी हमारी ना एक सब्ज़ी कह लें, अंडे आलू की करी कह लें, भुजिया कह लें, बहुत शानदार सी हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।